अदरक लहसुन मिर्ची धनिया अजवाइन कलौंजी नमक नींबू अचार इतने आइटम पड़ते हैं इसमें। मस्त। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक गजर और मेरे चैनल द फूडी सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम आए हुनर हाट में सूरत के अंदर। यहाँ एक यूनिक आइटम जो सूरत गुजरात के लिए तो यूनिक है, बिहार का आइटम है लिट्टी चोखा। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम कैसे वो मेकिंग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनके ओनर से और कैसे मेकिंग करते हैं वो सब देखते हैं। चलिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर कहाँ से आप? हम बिहार समस्तीपुर बिथान बाजार से आए हुए हैं। अच्छा, तो ये हुनर हाट के सिवा कहीं कहाँ पे आपका स्टॉल रहता है सूरत में कहीं पे? नहीं, सूरत में तो सर नहीं है हमारा, वैसे दिल्ली में है। दिल्ली में है? हाँ जी सर। दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली लक्ष्मी नगर में है। और अच्छा, और क्या क्या बनाते हैं आप? हमारा तो लिट्टी चोखा और ठेकुआ होता है। ठेकुआ तो हम दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लिट्टी नहीं दे पा रहे हैं, ठेकुआ बनाने रहे हम। सही है। तो कैसे बनाते हैं आप बताइए ना हमें। बिल्कुल बताएंगे सर। ये हमारे पास ये गेहूं का आटा होता है सर। अच्छा। हाँ, इसके अंदर हम सत्तू का, ये चने का सत्तू होता है, इसको हम स्टफिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या है हमारे लिए तो एकदम नया आइटम। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम जैसे कि चने के सत्तू के हम स्टोपिंग करते हैं। अच्छा। इसके अंदर जो है अदरक लहसुन मिर्ची धनिया अजवाइन कलौंजी नमक नींबू अचार इतने आइटम पड़ते हैं इसमें। अच्छा। उसके बाद इसको स्टोपिंग करके फिर रोस्टेड करते हैं हम कोयला का आँच पे। एक्चुअली में ये उपले पे होता है लेकिन यहाँ पे उपला संभव नहीं है, अवेलेबल नहीं। हाँ जी। और कितने की एक प्लेट आती है? एक प्लेट 60 रुपये का है सर, दो पीस आते हैं। अच्छा, एक प्लेट में मतलब पेट भर के भर जाता है ना? हाँ बिल्कुल, आराम से पेट भर जाते हैं दो पीस में। हमने सब जगह पे यहाँ हुनर हाट में देखा, सबसे ज्यादा भीड़ आपके वहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम मतलब सारे लोग अभी है यहाँ पे। और अभी टाइम भी इतना लंच टाइम ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी टेस्ट करने के लिए सभी यहाँ पे रुके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ऑर्डर कल से ही ऑर्डर आ रखे हैं सर की, जो हम मॉर्निंग में आ रहे हैं 10 प्लेट लेंगे 20 प्लेट लेंगे। हाँ जी। कितने टाइम तक उसको गर्म करना पड़ेगा? ये कम से कम एक लिट्टी के लिए कम से कम 4-5 मिनट लग जाता है सर। 4-5 मिनट लगता है। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद आलू बैगन का भरता होता है, टमाटर का। इसके बाद आलू बैगन टमाटर का भरता है सर। अच्छा। और उधर सरसों का चटनी है, सरसों लहसुन का डंजर है वो। अच्छा। हाँ जी सर। ये धनिया पुदीने का है। तीन टाइप की दो टाइप की चटनी आएगी ना? हाँ जी, दो टाइप की चटनी है सर। ओके। और ये देसी घी में? देसी घी। हाँ जी, देसी घी में डालते हैं। अच्छा। फोरी फोरी फोरी। हाँ, फोरी को पूरा प्रेस कर देते हैं। हाँ जी। हाथ से खाना है? हाँ जी सर। रोटी की तरह हाथ से तोड़ के खाने का सर? हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे हमें। हाँ जी सर, हम मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। अरे यार, कि जो हमें ऐसे ही मतलब प्लेटफार्म पे ला के मतलब दिए हैं कि जो हम कुछ आगे बढ़ सके। अब तो बहुत देश के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो है मुख्तार अब्बास निकवी जी है जो हमें मतलब जो है यहाँ आने का मौका दिए है। सही है। और दिन में कितनी प्लेट आप बेच देते हैं? कम से कम हम और जगह तो इतना सेल नहीं कर पाए, यहाँ पर कम से कम हम 1000-2000 के लमसम प्लेट। ये क्या सूरत में थोड़ा यूनिक है ना, इतना टेस्ट भिल्कुल, भिल्कुल। किसी ने कभी किया नहीं, और सूरत में एक भी स्टॉल नहीं है यहाँ पे हमारा, इतना कहीं नहीं बिका जितना यहाँ पर हमें। यहाँ ज्यादा बिका ना? हाँ जी सर। तो आपको यार सोचना चाहिए सूरत में एक स्टॉल करो यार, कोई आपका। बिल्कुल 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 करेंगे सर, हम चाह रहे हैं कि हमें कहीं जगह मिल जाए छोटी सी, तो हम पूरा सूरत आपके सपोर्ट में, आप कहीं भी बोलो। बिल्कुल, हमें जहाँ मिल जाए वहाँ खोल देंगे सर जी। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग को हम टेस्ट दें अपना बिहार का। अरे प्यार आपको बहुत मिलेगा और ढेर सारे लोग भी यहाँ आएंगे आपके पास। हाँ, प्यार तो बहुत मिले यहाँ के लोग का, और शहर भी बहुत अच्छे लगे हमें। बहुत अच्छा से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, खाने के लिए एकदम शौकीन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें भी स्ट्रीट फूड, और ये तो नई चीज। और आप देख ही रहे कि हमने स्टार्ट नहीं किया जब से यहाँ मतलब पब्लिक आना शुरू हो गए खाने के लिए एकदम। हाँ नमस्कार सर। यस सर, ये हम लिट्टी चोखा खा रहे हैं। अच्छा, वो बिहार का थोड़ा फेमस, हमें भी फर्स्ट टाइम अभी टेस्ट किया। फर्स्ट टाइम। कैसा लगा आपको?
अच्छा है टेस्ट वैसे तो। टेस्ट बहुत अच्छा है ना? अच्छा अच्छा है। सूरत में कभी एक लिए खाया था आपने? नहीं नहीं नहीं, ये कभी देखा ही नहीं, अपने यूट्यूब पे देखा हुआ था। अच्छा, आज मौका मिल गया यहाँ पे। आज मौका मिल गया अपने को, तो हुनर हाट का हमें दिल से थैंक्स कहना चाहिए यार, एक जगह पे इतनी ढेर सारी आइटम अभी हम मिल रहे हैं। यस 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 यस। बेटा कैसा लगा? बढ़िया है ना? मस्त। तो चलिए सर, थैंक यू, आपने इतना अच्छा हमें रिव्यू दिया। चलिए थैंक यू। प्याज डाल देना। और बताइएगा, एक हमारे लिए बनाना है, बिहार का फूड के लिए भी सर। हाँ, सर के लिए भी एक बनाना है। ये क्या चीज़ है साथ में देते हो? ये आलू बैंगन टमाटर का भरता होता है। और ये इसे इसको क्या बोलते हैं? इसको लिट्टी बोलते हैं। किससे बनता है ये? ये गेहूं का आटा होता है, इसके अंदर चने की सत्तू की स्टफिंग होती है। हाँ, बाद इसमें भर के उसके बाद आटे को स्टिक मीठा था या फिर तीखा था? हाँ जी, स्पाइसी होता है सर। ओके, एक प्लेट दीजिए ना। एक प्लेट सर का भी लगाइएगा, दो तीन प्लेट लगाइए। और तो अभी हमने जो मेकिंग होते हुए देखा, हम टेस्ट करते हैं। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, एकदम गर्मा गर्म है, देखिए यार। और देसी घी में पूरा डाला हुआ था। और ये देखिए, उसका आलू बैंगन की जो सब्जी होते है उसमें बना हुआ है। तो भैया ऐसे ही खाते हैं ना ये? जी जी जी। अच्छा सर, सर आप आइए यहाँ पे मेरे साथ आइए, हमें बताइए सर, ऐसे ही है ना? जी जी जी। और ये मतलब जो ग्रीन चटनी थी जी, और ये क्या है? डेंजर चटनी। जी जी जी। एकदम रिपीट वैल्यू है यार, जो सूरत में कहीं नहीं मिल रहा है, एक भी स्टॉल नहीं। हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ आप कीजिए, आपका ढेर से रहा यहाँ पे, बहुत क्राउड होगा अगर आपने चालू किया तो। थोड़ा हल्का सा कच्चा लग रहा है हमने टेस्ट में, जो हम यहाँ गुजराती लोग गया तो यहाँ खाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है यार। और थोड़ा स्पाइसी भी है। स्पाइसी? हाँ सर, स्पाइसी है। मस्त है यार, सबसे अच्छी बात है ना, ये जो डेंजर चटनी बोल रहे हैं ना गार्लिक की, वो बढ़िया है यार। उससे वजह से क्या थोड़ा स्पाइसी रहता है टेस्ट, वो और भी अच्छा लगता है हमें। मन कर रहा है रिव्यू की जगह खा लो पहले, इतना अच्छा है। और प्लेट भी एकदम देखो, 60 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में यार पेट भर के, इतना लग रहा है छोटा, लेकिन क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरा प्रेस करके मेकिंग किया हुआ है। देखो देसी घी में बना हुआ है, बहुत अच्छा है यार। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और देखते रहना, और कुछ सजेशन हो तो आप बताना हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।